says it's about to become the first in the U.S. to offer microchip implants to its employees. You heard that right. Microchip implants under the skin. Now you can buy something nowadays using your phone. What if you could use a microchip inside your hand instead? Todd, you're going to show us how this could potentially work. Yes, basically what this is considered is a break room market in an office complex. We'll come up, scan the item, we'll hit pay with credit card, and it's asking to swipe my proximity payment now. I'll hold my hand up, just like the cell phone, and it will pay for my product. क्या 2019 में 666 की मोहर सब लोगों पर लगा दी जाएगी? और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं, और आपने शायद बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी कि RFID चिप 666 की मोहर है। और आज इसी बात पर हम कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि बाइबल असल में क्या कहती है इस विषय के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। NFR.com की ऑनलाइन पोस्ट पर ये बताया गया कि स्वीडन में रहने वाले हज़ारों लोग माइक्रोचिप को अपने स्किन में लगा रहे हैं। इसमें लिखा था कि स्वीडन में, जो कि तकनीक के मामले में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा देश है, यहाँ हजारों लोग अपने हाथों में इस माइक्रोचिप को लगा रहे हैं। इस चिप को इसलिए बनाया गया है कि प्रत्येक दिन के कामों में तेजी हो और लोग आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकें। इस चिप का इस्तेमाल घर में प्रवेश करने के लिए, ऑफिस में प्रवेश करने के लिए और जिम में प्रवेश करने के लिए किया जाएगा। यानी अभी आपको कोई भी चाबी उठाने की जरूरत नहीं है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और स्वीडन में किसी भी कार्यक्रम और रेलवे यात्रा की ई टिकट्स को स्टोर करने के लिए भी किया जाएगा। आर्टिकल में आगे लिखा था कि इस चावल के दाने की साइज से चिप को शरीर में हाथ के अंगूठे के बिल्कुल ऊपर लगाया जाता है एक सिरिंज के इस्तेमाल से। इसका पूरा खर्चा तकरीबन $180 है और बहुत से स्वीडन के लोग लाइनें लगाकर खड़े हैं इस चिप को लगाने के लिए। और चिप लगाने वाली कंपनी ने कहा है कि मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारे लिए अब मुश्किल हो रहा है कि हम उस मांग को पूरा कर सकें। और सच्चाई असल में ये है कि जैसे ही ये RFID चिप लोगों के हाथों में लगाई जा रही है तो इस वजह से बहुत से मसीही लोगों के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 और 17 में ऐसे ही मोहर को लगाने का जिक्र किया गया है। ऐसे लिखा है कि उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, आजाद गुलाम सबके दाहिने हाथ या फिर उनके माथे पर एक एक शाप लगा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई भी लेन देन ना कर सके। और आज की तारीख में बहुत सारे बड़े बड़े देशों में लोग इस चिप को लगा रहे हैं, जैसे कि स्वीडन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी। और इस माइक्रोचिप के फायदों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और आने वाले समय में इस माइक्रोचिप का इस्तेमाल पैसे का लेन देन करने, बैंक से पैसे निकालने और पैसे डालने के लिए भी किया जाएगा। बजफीड एक यूट्यूब चैनल है जिस पे एक आदमी की वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है आई पुट पेमेंट चिप इन माई हैंड टू रिप्लेस माई वैलेट, कि अब मुझे पर्स या बटुआ उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पेमेंट करने के लिए अपने हाथ में ही चिप लगा ली है। ये आदमी, जिसका नाम चार्ली है, स्वीडन में गया इस चिप को अपने हाथ में लगाने के लिए और फिर इसके साथ वो जो कुछ भी खरीदना है और जो कुछ भी लेन देन करना है वो बस इस चिप के द्वारा ही करता है जो उसने अपने हाथ में लगाई हुई है। अब सोच कर देखिए कि अगर पूरे संसार में कैशलेस सोसाइटी बनाने के लिए ये सिस्टम हर जगह पर लागू कर दिया जाए तो इसके बाद अगर आप 666 की मोहर को लेने से इनकार करते हैं तो आपकी चिप का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, तो वो आपके चिप को डिसेबल, डीएक्टिवेट
या बंद भी कर सकते हैं। और फिर आप ना तो कुछ खरीद सकेंगे और ना ही कुछ आप बेच सकेंगे। और ये सीधा इशारा करता है प्रकाशित वाक्य के उस वचन की तरफ जो हमने अभी पढ़ा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये माइक्रोचिप असल में 666 की मोहर नहीं है। इस चिप का इस्तेमाल किया जा सकता है उस मोहर को लगाने के लिए, क्योंकि आप इसके बिना कुछ लेन देन नहीं कर पाएंगे अगर आप 666 की मोहर को लगाने से इनकार करते हैं तो। लेकिन ये चिप असल में 666 की मोहर नहीं है, और मैं आपको कारण बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी इस माइक्रोचिप को अपने माथे पर नहीं लगा रहा है, और इस चिप को बाएं हाथ में लगाया जा रहा है जबकि दाहिना हाथ अभी तक फ्री है। और ये सब बातें वचन के बिल्कुल विपरीत हैं, जो कि स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोहर को या तो माथे पर और या फिर दाहिने हाथ पर लगाया जाएगा। तो ये सब हम कह सकते हैं उस बड़े काम की एक तैयारी है जो आने वाला है, और ये सब चीज़ों को धीरे धीरे लोगों के सामने लेकर आया जा रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर वह ये सब चीज़ें एकदम से लेकर आएगा तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें फिल्मों के द्वारा लोगों के सामने लेकर आई गई, और अब लोग सोचते हैं कि ये सब तो नॉर्मल है और अच्छा है और हमारे फायदे के लिए है। और अब हम मसीहों को बहुत ही गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अंत अब दूर नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने, घर बनाने, कैरियर बनाने और सेटल होने में ही नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, मैंने कहा है कि हमारा ध्यान सिर्फ इन चीज़ों को पाने में ही नहीं होना चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब है कि हमारा पहला फोकस ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि हमारा पहला फोकस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना होना चाहिए। हम सिर्फ धरती पर अपने घरों को बनाने में ही अपना जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि उस घर के लिए अपने आप को तैयार रखें जो कि हमेशा का घर है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और सावधान करना था कि हम जान सकें कि दुनिया किस तरफ जा रही है और कैसे परमेश्वर के वचन हमारी पीढ़ी में पूरे होते नजर आ रहे हैं। अब आपसे विनती है कि प्लीज़ 1-2 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की आंखें खुल जाए और वो आने वाले कष्ट से बच जाए। अंत में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। परमेश्वर की दया और उसका प्यार हमेशा आपके साथ हो। आमीन।